गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YouTube के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का ये 24th नंबर का वीडियो और एल्जेब्रा सीरीज का ये 9th नंबर का वीडियो। ये एल्जेब्रा सीरीज का आखिरी वीडियो होगा और इसमें हम बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथड इक्वेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, इक्वेशन सॉल्व करने की जो मेथड है उसको हम बताने जा रहे हैं। मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SMT। क्लास 8 के अंदर एल्जेब्रा और फैक्टराइजेशन 1-2 के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बड़े से बड़े क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम पहले बात कर लेंगे कि ये मेथड हम कब लगा सकते हैं, कब इस मेथड ये एप्लीकेबल कब करना है, क्योंकि दिखने में तो ये आपको बिल्कुल a-b या a+b होल स्क्वायर की तरीके से ही दिखती है, मगर कब स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए 3 रूल्स हैं, कंडीशन फॉर अप्लाई मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। FT एंड LT, FT स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म एंड LT स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नॉट PS, PS स्टैंड फॉर परफेक्ट स्क्वायर। जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पहला और आखिरी टर्म, मतलब ये वाला होता है फर्स्ट टर्म और ये वाला होता है लास्ट टर्म, यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर ना दिखाई दे, मतलब 36, 25, 81, 49 ऐसे नंबर यहाँ पे और यहाँ पे ना दिखाई दे, तब ये मेथड आपको यूज करनी है। सेकंड, लास्ट टर्म हैविंग माइनस साइन, क्योंकि a+b और a-b का स्क्वायर करते हैं तो b वाला टर्म था, लास्ट वाला टर्म था, वो तो हमेशा प्लस में ही आता था, मगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म के अंदर जब कोई क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व होगा तो उसमें लास्ट टर्म के आगे आपको माइनस की साइन दिखाई देगी, तो ये साइन आपको इंडिकेट करेगा कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगानी है। और थर्ड है, मिडल टर्म इज नॉट करेक्ट। मिडल टर्म है वो 2ab के हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पे मिडल टर्म है वो 2ab के हिसाब से नहीं होता है, तो आपको SMT लगाना होता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। y² + 7y + 10, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है कि लास्ट टर्म है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाऊंगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़कर दो भागों में डिवाइड कर देना है, तोड़ देना है उसको, स्प्लिट कर देना है। तो कैसे स्प्लिट करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको 1 मान लेना है, तो ये मेरा ए हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये सी हो जाता है। अब क्या करना है, बी है वो ए और सी के मल्टीप्लाई के प्लस माइनस के बराबर होना चाहिए, तो बी है यहाँ पे ए मेरा 1 है और सी है 10। अब बी को बी इजिकल टू क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, मगर आपको 10 के फैक्टर्स निकालने हैं, 5 2 ज़ा, यहाँ पे 10 के फैक्टर क्या निकलते हैं, 5 2 ज़ा 10। तो फैक्टर का आप प्लस करो या माइनस करो, प्लस करने या माइनस करने से आपको बी मिलना चाहिए, यहाँ पे बी मेरा 7 है और 10 के फैक्टर आ रहे हैं 5 एंड 2, तो मैं इनको प्लस करूँगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2। तो मैं कैसे लिखूंगा, बी की जगह पे जो मेरा मिडल टर्म है वो मैं ऐसे लिखूंगा, 5y + 2y। तो अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे 1y² + 7y + 10, तो 1y² + 2y + 5y + 10। आप चाहो तो 5y + 2y लिख सकते हो या 2y + 5y लिख सकते हो,
प्लस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो आप इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हो। आप पहले दो टर्म में से, फर्स्ट दो टर्म में से y को कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, y प्लस टू, और सेकेंड टर्म में से लास्ट टू टर्म में से अगर आप 5 कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे ये y और प्लस फाइव, ये y और ये प्लस फाइव, और यहाँ पे देखो y प्लस टू और y प्लस टू, अगर ये दोनों सेम आते हैं y प्लस टू वाई प्लस टू, यहाँ पे नंबर चेंज हुआ, ये ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसी भी तरीके से ये ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूं। एम स्क्वायर माइनस 40m माइनस 32, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ, तो मेरा a बन जाएगा 1, b बन जाएगा माइनस 14 और c बन जाएगा 32, माइनस 32। अब b है वो a और c के इस मल्टीप्लाई के प्लस माइनस के बराबर होता है, तो 1 इंटू 32 इज इक्वल टू 32 होता है। 32 के ऐसे फैक्टर निकालिए ताकि उसका प्लस माइनस करने पे आपको 14 मिले, मिल जाएंगे 16 टूजा, 16 टूजा आप करोगे तो 32 मिलेगा, मगर 60 में से माइनस 2 करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा, और वही आपका b की वैल्यू है, तो आप इसका माइनस करा सकते हो। 60 माइनस 2 करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा, मगर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे b माइनस में है, इसीलिए मैं 16 को माइनस ले रहा हूँ, प्लस 2 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 40 मिल जाएगा। तो अब मेरा जो मिडल टर्म है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस 60y प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल m है इसलिए माइनस 60m प्लस 2m हो जाएगा। अब हम मिडल टर्म की जगह पे हम ये लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, 1m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। अगर हम फर्स्ट इसमें से m कॉमा निकाल दें तो ये m माइनस 16 हो जाएगा, प्लस इसमें से हम इस पूरे में से 2 कॉमा निकाल दें तो m माइनस 16 हो जाएगा। याद रखना है ये ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा सेम ही आनी चाहिए, सेम आती है तो समझ जाना है कि आप सही रास्ते पे हो, आप सही कर रहे हो। यहां पे देखो m प्लस 2 बच रहा है और यहां पे m माइनस 16, दोनों ब्रैकेट कॉमन थे। इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाता है। मैं थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन लिख लेता हूं, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। मेरे पास क्वेश्चन है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। यहां पे मेरे पास a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है माइनस 25 और c की वैल्यू है 20। आपका b है वो a इंटू सी के प्लस माइनस के बराबर होता है, तो b इज इक्वल टू a कितना है 5 और c कितना है 20 इज इक्वल टू 100 हो जाता है। अब 100 के ऐसे फैक्टर निकालिए ताकि आपको 25 आंसर मिले, क्यों, क्योंकि 25 आपका b है। तो 100 के मैं ऐसे फैक्टर निकाल रहा हूँ, 25 ज़ा 100 है, इनका आप प्लस करा दोगे, 20 प्लस 5 करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। मगर याद रखना है यहाँ पे हमारा b है वो माइनस में है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, माइनस 20 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। अब
मैं मिडल टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 20 पी माइनस 5 पी, ये मेरा मिडल टर्म हो जाएगा। अभी मैं इसको क्वेश्चन में रख के इसको सॉल्व करूँगा, 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20। अगर हम फर्स्ट में से 5p कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे p बचेगा, माइनस 4 बचेगा, और इसमें से 5 निकाल दें तो p बचेगा, माइनस 4 बचेगा। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 4 20 हो जाएगा। अब 5p माइनस 5, 5p माइनस 5, और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं और सेम ही आने चाहिए किसी भी हाल में, तो ही आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाता है। क्लास 10 के अंदर आपको इसके आगे भी एक स्टेप करना होता है जिससे आपको रूट्स मिलते हैं। तो जब हम 10 क्लास की ऑनलाइन सीरीज बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसमें से रूट्स कैसे निकालने होते हैं। क्लास 8 तक 9 तक तो आपको रूट्स निकालने नहीं आते, मगर 10th के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मेथड मिलेगी और आपको रूट्स निकालने के लिए बोला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। होप कि आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म समझ में आई है और आप सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर सकते हो। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एलजेब्रा का काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर किया है इसके अंदर। हमारे सारे वीडियोस एक स्टार्टिंग से देखिए, पूरी सीरीज वन बाय वन देखिए, ताकि आपका पूरा बेसिक है एलजेब्रा का कंप्लीट हो जाएगा। एलजेब्रा की सीरीज यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे सीरीज में कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, और हमारे क्लासेस के साथ ज्वाइन हो जाइए। पर्सनल डाउट वैकेशन क्रैश बैच क्रैश कोर्स के साथ हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमारी हम आपकी हेल्प कर सकें, आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। COVID-19 का हमने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है, लॉकडाउन था तो हमने अपने सारे सिलेबस को ऑनलाइन कर दिया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और भी सिलेबस को ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।